वडोदरा पीसीबी पुलिस द्वारा मिली खबर के आधार पर साखरंडा गांव स्थित आयुर्वेदिक सिरप की आड़ में चलाई जा रही शराब की फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 30 लाख कीमत का शराब का जत्था सहित 1 करोड़ कीमत का मुद्दा माल जब्त करते हुए 3 लोगों की अटकायत की गई थी। वडोदरा शहर जिला सहित राज्य भर में सिर्फ कागजों पर ही दारूबंदी रह चुकी है, जहां मानव मुटलेगर और ये शराब के व्यापार के साथ जुड़े वैसे लोगों को पुलिस और कायदे कानून का कोई भी खौफ नहीं रहा। वैसे आए दिनों भारी मात्रा में शराब का मुद्दा माल और ये शराब की फैक्ट्री कहे या शराब की हेराफेरी पकड़ी जा रही है, जहां वडोदरा पीसीबी पुलिस द्वारा शहर पास के साकरंदा गाँव में मिली खबर के आधार पर छापेमारी करते हुए आयुर्वेदिक सिरप की फैक्ट्री की आड़ में चलाए जा रहे शराब फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 1 करोड़ कीमत का मुद्दा माल जब्त किया गया। साकरंदा गांव पास आए हुए दुर्गा इंडस्ट्रियल एस्टेट में आयुर्वेदिक सिरप की आड़ में चलाई जा रही शराब बनाने की आयुर्वेदिक दवाई के नाम पर बिक्री करती फैक्ट्री को वडोदरा पीसीबी पुलिस द्वारा पकड़ते हुए पर्दाफाश किया गया, जो एक कंपनी कंकासाव नामक आयुर्वेदिक दवाई की बोतल में अल्कोहल बेचती होने की जानकारी पुलिस की जांच से बाहर आई है। पुलिस ने फैक्ट्री से 30 लाख कीमत का शराब तथा मशीनरी वैसे अन्य साधन मिलाकर 1 करोड़ से भी अधिक का मुद्दा माल जब्त किया है। पहले भी कोरोना काल के दौरान नकली सैनिटाइजर बनाते वैसे नितिन कोटवानी ने ही ये दोबारा से शराब का व्यापार चालू कर रहा हुआ है, वैसी पुलिस की जांच में जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे देख पुलिस अधिकारी भी चौंक उठे हैं। समग्र मामले में एफएसएल द्वारा जारी की सघन तहकीकात में आयुर्वेदिक सिरप की बोतल में शराब होने की जानकारी प्राप्त हुई थी और देर रात कार्यवाही चालू रखते हुए नितिन कोटवानी और भगत बिश्नोई के नाम बाहर आते हुए पुलिस द्वारा जाँच प्रक्रिया जारी की गई है, जहां पुलिस के पीसीबी के पीआई जे पटेल ने दी जानकारी के आधार पर शहर पास के साकरंदा गांव स्थित दुर्गा इंडस्ट्रियल एस्टेट में आयुर्वेदिक सिरप की आड़ में शराब बनाया जा रहा है, जहां आयुर्वेदिक दवाई कंका साव के नामक खुले बाजार में मिलती होने की भी जानकारी हुई है। जहां मिली खबर के आधार पर कंपनी में छापेमारी करते हुए आयुर्वेदिक सिरप की आड़ में शराब बनाकर आयुर्वेदिक दवाई के नाम पर बिक्री करने का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 30 लाख कीमत का शराब का जत्था और मशीनरी अन्य साधन मिलाकर 1 करोड़ से भी अधिक का मुद्दा माल हिरासत में लिया है, जहां पुलिस ने 3 लोगों की अटकायत करते हुए सघन कार्यवाही का दौर जारी किया था। आप सब जानो छो के कोरोना दरमियान घनी जगह घनी डुप्लीकेट प्रोडक्ट जे हर्बल दवाओं थी लईने एना माटे पकड़वामां आवी छे। माननीय सीपी साहेब तरफ थी खास प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच ने सूचना आपवामां आवी हती कि आवी हर्बल प्रोडक्ट दवाओ औषधिओ ए ज्यां कोई डुप्लीकेट प्रोडक्शन थतुं होय तो एनी तपास करीने कार्यवाही करवा माटे सूचना आपी हती। ए सूचना आधारे पीसीबीना इंस्पेक्टर जे जे पटेल ने बातमी एवी मळी हती के साकरदा गाममां आवेल दुर्गा इंडस्ट्रियल एस्टेटमां एक शेड बनावी त्यां आल्कोहोल मिक्स करी एक हर्बल प्रोडक्टना नामे बॉटलोनुं पेकिंग थाय छे अने आ प्रवृत्ति हाल चालू छे। जे बातमी आधारे पीसीबी तरफथी त्यां रेड करवामां आवी हती। रेड करवामां आवता पोलीसने त्यांथी आल्कोहोल मिक्स करेली बॉटलो जे जेना पर हर्बल प्रोडक्ट लखेलू छे सीरपना नामे लोको पेकिंग करता हता आ जग्याए रेड करवामां आवता कुल 20,000 ऊपर पेक बॉटलो मळी आवी हती पोलीसने अने जेनी किंमत 30 लाख उपरांतनी थाय छे। पोलीसે તાત્કાલિક એફએસએલની ટીમ બોલાવતા એફએસએલ તરફથી સેમ્પલ ચેક કરવામાં આવેલા અને પ્રાઇમરી ચેકિંગમાં એવું જણાઈ આવેલું કે આ જે સિરપ બનાવવામાં આવે છે એમાં આલ્કોહોલ મિક્સ કરવામાં આવી રહ્યું છે। પોલીસને ત્યાંથી સ્થળ પરથી બીજા આવા આલ્કોહોલના બેરલો પણ મળી આવ્યા છે 200-200 લીટરવાળા અને ત્યાંથી આ ઉપરાંત પોલીસને 4 વાહનો કબજે કર્યા છે, આ ઉપરાંત બોટલો પેક કરવાની સાધન સામગ્રી આ બધું મળીને કુલ 80 લાખ ઉપરનો પોલીસે મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે। વધુ તપાસમાં એવું જણાઈ આવ્યું છે કે આ જે બોટલોનું ઉત્પાદક છે એ નીતિન કોટવાણી કરીને છે અને લગભગ 4 મહિનામાં એને ગોરવા વિસ્તારમાં એક ડુપ્લિકેટ સેનિટાઇઝરની કંપની પર રેડ કરવામાં આવેલી હતી, તો એમાં પણ આની સંડોવણી હતી અને એમાં મુખ્ય આરોપી હતો અને 9 મહિનામાં જ એને કોર્ટ તરફથી બેલ મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે અને એણે પછી આ નવી પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી છે। હાલમાં હજી એ પકડથી દૂર છે પોલીસની, હાલમાં પૂછપરછ જે ત્યાંથી એમના મેનેજર અને બે બીજા મજૂર મળ્યા છે પોલીસ હાલ એમની પૂછપરછ ચલાવી રહી છે। પ્રાથમિક તબક્કે આ બાબતે પોલીસ તરફથી જાણવા જોગ દાખલ કરવામાં આવી છે અને એફએસએલ તેમજ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ દ્વારા જે સેમ્પલો કલેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે એનો ફાઇનલ રિપોર્ટ આવે પછી આમાં જે જે અલગ વિવિધ આઈપીસીની કલમો હેઠળ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવશે।